यहां हम देखेंगे आयोग और समिति। संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच के लिए समिति गठित की गई थी। ये किस कब घटना हुई थी? 13 सितंबर 2023 को। क्या हुआ था कि दो लड़के यहाँ पर क्या है संसद में घुस आए थे, और फिर उस सुरक्षा उल्लंघन घटना के लिए यहाँ पर समिति बनाई गई है। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह, इनकी अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई है। तो संसद सुरक्षा के लिए समिति, अनीश दयाल सिंह इसके अध्यक्षता कर रहे हैं। अनीश दयाल सिंह नाम याद रखना है, सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह। एक राष्ट्रीय एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए समिति बनाई गई है। ये केंद्र सरकार द्वारा गठित है, और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? रामनाथ कोविंद जी। 8 सदस्य समिति है। रामनाथ कोविंद जी के अलावा और सदस्य कौन कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह एंड लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये दृष्टि में क्या है, सुप्रीम कोर्ट को सब जगह उच्चतम न्यायालय ही लिखा गया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय। तो इसमें सारे में गलती लिखी गई है, जहाँ भी सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने उच्चतम न्यायालय ही लिखा है, उसको इनको लिखना चाहिए था सर्वोच्च न्यायालय। तो हरीश सालवे जी एंड पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी। तो ये 8 सदस्य समिति है किसके लिए? एक राष्ट्रीय एक चुनाव तलाशने के लिए। और पूछे संसद की, जो संसद में जो उल्लंघन घटना हुई थी उसके लिए अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं, उनकी अध्यक्षता में। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के संशोधन हेतु पैनल बनाया है। अब ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के, इसके चांसलर महेश चंद्र पंत क्या है, इस समिति के अध्यक्ष हैं, जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के संशोधन हेतु पैनल बनाया है। महेश चंद्र पंत कौन? महेश चंद्र पंत रिलेटेड है एनसीईआरटी से। मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु समिति बनाई गई है। इस समिति ने क्या है, अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, और इसके जो अध्यक्ष रही कौन थी? न्यायमूर्ति गीता मित्तल। न्यायमूर्ति गीता मित्तल। कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण के कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई है। ये जो कृष्णा नदी वोटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है, इसका कार्यकाल बढ़ाया है, कार्यकाल में वृद्धि की है, 31 मार्च 2024 तक ये कर दिया है। और ये अधिकरण तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में जल बंटवारे को लेकर है, कृष्णा नदी के जल बंटवारे को। अगर आपसे पूछे कावेरी नदी के पानी को लेकर किन दो राज्यों में विवाद रहता है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक में, ठीक है। अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच हेतु समिति बनाई गई है। तो नाम याद रखना, अभय एम स्प्रे, न्यायमूर्ति अभय एम स्प्रे, इनकी अध्यक्षता में यह अडानी हिंडनबर्ग मामले के जांच के लिए जो समिति बनाई है, न्यायमूर्ति अभय एम स्प्रे। उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए समिति बनाई गई है, जो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित है, और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, और किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर के राधा कृष्णन की अध्यक्षता में, डॉक्टर के राधा कृष्णन की अध्यक्षता में ये क्या है, गठित की गई। बहुपक्षीय विकास बैंक एमडीबी को मजबूती देने हेतु G20 विशेषज्ञ समूह बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? एक उन्नत एमडीबी इको प्रणाली का रोड मैप तैयार करना, और इसमें कौन कौन थे? लॉरेंस स्मर्स जो कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एमिराइट्स अध्यक्ष प्रोफेसर, और जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन के सिंह, वो इसके सह संयोजक थे, और अध्यक्ष कौन? प्रोफेसर लॉरेंस समर्स। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार हेतु समिति इंपोर्टेंट है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन इसके अध्यक्ष हैं, पेंशन के लिए टीवी सोमनाथन। 12वें वित्त आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी कब तक? ये 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया, और इस आयोग के अध्यक्ष कौन? ऋतुराज
अवस्थी हैं। वर्तमान में इस आयोग के अध्यक्ष कौन? ऋतुराज अवस्थी। तो एक छोटा सा जल्दी से रिवीजन करा दें, संसद सुरक्षा के लिए जो थी वो किसकी अध्यक्षता में? वो थी अनीस दयाल सिंह, जो कि सीआरपीएफ के अध्यक्ष हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना के लिए रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के संशोधन हेतु पैनल, महेश चंद्र पंत मणिपुर, न्यायमूर्ति गीता मित्तल। कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कार्यकाल बढ़ाया गया 31 मार्च 2000। अडानी इंडरबर्ग न्यायमूर्ति अभय एम स्प्रे भी बोल सकते हैं स्प्रे। उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन के लिए ये डॉक्टर के राधाकृष्णन। एमडीबी को मजबूती देने के लिए लॉरेंस समर्स और एन के सिंह। बहुपक्षीय विकास बैंकों को एंड राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली टीवी सोमनाथन। और 22वें आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए ऋतुराज अवस्थी।